हाय फ्रेंड्स, तो आज की जो कॉइल हम लोग बना रहे हैं ये एक्चुअली एक बूस्ट चार्जर है, क्योंकि अभी देखिएगा कि कुछ रिक्शा में आपका 130 एम्पीयर 140 एम्पीयर का बैटरी लगा हुआ रहता है, तो उसको चार्ज करने के लिए हमें दूसरा टाइप का चार्जर चाहिए होता है, नहीं तो अभी गर्मी का सीज़न है, वोल्टेज बहुत ही लो है। तो ये जो ट्रांसफार्मर वायरिंग हो रहा है ये एक्चुअली हमारे जो एग्जूम का सर है उन्होंने बनाया था, तो देखिए वो जो तार पकड़ के बैठा है हमारा किशोर भाई है, ये नेपाल से है, तो सर को उन्होंने बोला था कि बूस्ट वाला चार्जर बना देने के लिए, तो उनके पास रेडी में 48 में था, तो इसको हम लोगों ने, तो इन्होंने बोला इनके शॉप में ये लगाएगा, तो इसको मतलब 12 से 48 वोल्ट तक, मतलब चार स्लॉट में होगा, 12, 24, 36 और 48, मतलब सिंगल बैटरी भी इसमें चार्ज होगा। तो सर ने तो इसको 48 में डायरेक्टली बना दिया था, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा मॉडिफाइड किया, तो सर ने बोला कि इसको थोड़ा मॉडिफाइड करना है, और किशोर भाई को तो एक साथ चार बैटरी नहीं चार्ज करना है, इसके शॉप में रहेगा, तो उन्होंने बोला ठीक है इसको चार लीड बाहर निकाल दीजिए बड़ा बड़ा करके, तो वही काम चल रहा है। तो ये एक्चुअली 130-40 एम्पीयर का जो चार्जर होता है उसका वाइंडिंग है, और इसका डाटा शीट अगर आप लोगों को चाहिए तो उनका जो चैनल है उसमें जाके आप कमेंट कीजिए, और मैं भी उनको बता दूंगा, इसका डाटा शीट आप लोगों को बता देगा। और ये जो वाइंडिंग अभी चल रहा है ये 12 नंबर वायर है सेकेंडरी में, तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने 2 लीड बाहर निकाल लिया है ऑलरेडी, ये देखिए, और ये 130-40 एम्पीयर बैटरी को चार्ज करने के लिए है, इसको हम 48 भी ले सकते हैं, क्योंकि किशोर भाई को ज़रूरत है सिंगल बैटरी चार्ज करने के लिए, 1, 2, 3 जो भी हो हम इसमें चार्ज कर सकते हैं आराम से, और इसका रेगुलेटर लगा देंगे हम अपने हिसाब से वोल्टेज से आउटपुट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ 2 टाइप का, मतलब 2 रेगुलेटर आएगा, एक तो वोल्टेज को हाई लो करने के लिए, दूसरा इधर वाला पार्ट आएगा हमारा एम्पीयर को हाई लो करने के लिए, ये एसी वाला पार्ट का है, ये डीसी वाला, मतलब ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। तो देखिए वो वाला ट्रांसफार्मर हम लोगों ने वाइंडिंग कर दिया है, ये रहा उसका लीड 12, 24, 36 और 48, तो ये फिटिंग हो रहा है, और इसका कैबिनेट भी चेंज हो गया है, देखिए ये पहला पुराना वाला कैबिनेट था तो इसमें जगह नहीं आएगा, तो जैसा देखिए हम लोगों का वो बूस्टिंग वाला चार्जर रेडी हो गया है, जो आपका क्या बोलते हैं, ये वाला चार्जर से हमारा 130-40 एम्पीयर का बैटरी भी चार्ज होगा, और अगर हम चाहे तो एक एक बैटरी को भी हम चार्ज कर सकते हैं, मतलब 12 से ये 48 वोल्ट तक है। तो इसका दोनों साइड देखिए रोटरी लगा हुआ है, और ये किशोर भाई हमारा अर्थिंग लगा रहा है, कहीं शॉक वॉक ना लग जाए। तो इसका थोड़ा लुक दिखा देते हैं आप लोगों को, थोड़ा घूमिए, हाँ, तो सामने इसका हो गया एम्पियर वाला, तो इसको बढ़ाएंगे, जितना बढ़ाएंगे उसी हिसाब से एम्पियर बढ़ेगा, और पीछे हमारा हो गया वो, देखिए यहाँ रोटरी लगा है 12 से 48 वोल्ट तक, 48 वोल्ट तक, और इसमें देखिए डायोड लगा हुआ है 6 एम्पीयर का एसी तो, वाला है, हाँ, और ये फैन जो लगा हुआ है एसी वाला है, और देखिए ये तो किशोर भाई के शॉप के लिए है, कि कुछ कुछ टाइम क्या होता है चार बैटरी के अंदर एक बैटरी बैठ जाता है, तो उसको बूस्ट करके चार्ज करने के लिए ये लगता है, तो एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3-4 तक ये होगा,
तो चलिए इसको चला के दिखाते हैं। तो ठीक है, अब चालू कीजिए इसको। हाँ, ये ऑन हो गया है। अब वहाँ का वोल्टेज देखिए कितना है। फायर कर दो। हाँ करो, सीधी जाते हैं, सुविधा नहीं। अब वोल्टेज मापिए। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा दिखा देते हैं। ये मीटर यहाँ डीसी में दीजिए। अब तो डीसी बन गया। डीसी बन गया। 200 ही। ठीक है, ठीक है, चलिए। माइनस में आ जाओ। मार रहा है। तो अब देखिए यहाँ हमारा मीटर में देखिए, इसको पकड़िए, दीजिए मुझे। चलिए देखिए 36 वोल्ट तक। उल्टा तुम आखा दिए धरो। अभी देखिए 36.9 वोल्ट है। अब बढ़ाइए एक घाट। अब देखिए 38 वोल्ट बन गया। अब थोड़ा बढ़ाइए। अब देखिए 39 वोल्ट बन गया। बढ़ाइए। और एक तो ठीक है, अभी इसको दो घाट पे लेके आ जाइए। पीछे मतलब हम इसको 36 पे अभी सेट करने वाले हैं। हाँ बस इसी में हमारा 36 वोल्ट चार्ज हो जाएगा। देखिए एवर दादा अपनी पेचन तक एवर उठा के कमान। अब देखिए इसको हमें घटाना है। देखिए ये देखिए अब आ गया। देन अब देखिए यहाँ इसको 12 वोल्ट हमें बनाना है। तो अब यहाँ का घाट हमें बढ़ाना है ना। तो अब नहीं जा दिन बस और जाएगा एक। देखिए हाँ, तो देखिए तो एक बार यहाँ का घट घटाइए। ओहो ये तो सीरीज में है, इसीलिए तो थोड़ा कम आ रहा है। नहीं नहीं घटाइए इसको, इसको डायरेक्ट करते हैं। पूरा घटा दें। पूरा घटा दीजिए, वो तो सीरीज में था। लीजिए अब देखते हैं। चलिए ये बढ़ाइए, अभी बढ़ाइए। और एक देने से बस हमारा काम बन जाएगा। बस ये होगा 12। एक बार उठा के बढ़ाना पड़े। 12 अब देखिए 24 ये हो गया हमारा 36 बस। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया है। इसका दोनों साइड रोटरी है, इधर भी है और इधर भी है। एक बार सामने से ले लेता हूँ इसका फोटो। एबार एक तो ये तक ये सीरीज मारो ना, देखिए तो काटाटा हिल जाना कि हाँ इसे सकता। हाँ ठीक है जी, एबार तुम फायर करो। डायरेक्ट ही मारते हो, डायरेक्ट देन ওখানে ক্রস করছে কিন্তু একটু উপর দিক উপর দিক তার ক্রস করছে কোন কারণে। ও কুরগা মারো। नहीं नहीं कनेक्शन नहीं हुआ, स्विच ये दीजिए। ऑफ है ना मारा। उसका दिन तो किरकम हो मारो। ठीक है जी, काटा हिल जी मारो एक बार। हाँ बस चलिए बंद कर दीजिए। हाँ बंद है, मेन बंद, मेन बंद कर। तो ये हमारा देखिए ये बन के रेडी हो गया है। और इसका दोनों साइड रोटरी है, ये हो गया। उठे तो ठीक है चिकने भाई। और ये भी हो गया। तो अगर इसका डाटा शीट आप लोगों को चाहिए तो मैंने जैसा वीडियो के पहले ही बता दिया था, हमारा चार्जर वाला जो सर है उनसे आप ले लीजिएगा, उनके चैनल पे जाके बोलिएगा। और सर को मैं बताना चाहता हूँ, तो देखिए आपका वाला वो चार्जर मैंने थोड़ा अपग्रेड कर दिया है। वो मैंने आपको कॉल भी किया था, तो कैसा हुआ है ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो चार्जर बना है ये 130-40 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए। और हो सके तो चैनल को थोड़ा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। देखिए सब कुछ खोल के दिखा दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।